नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। आज हमारे देश की महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो हमारे देश की महिलाओं की सफलता की गाथाओं से गौरवान्वित ना हो रहा हो। और डिफेंस फोर्सेस यानी सैन्य बलों में भी आज हमारे देश की महिलाएं महिला अधिकारी बनकर नए कथानक रच रही हैं। 1992 वो साल था जब शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत हमारे देश की महिलाओं को सैन्य बलों को ज्वाइन करने का मौका मिला शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत। और आज की हमारी तेजस्विनी सैन्य बलों की ही एक ऐसी सैन्य अधिकारी हैं जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सैन्य बलों का हिस्सा बने, और ये पहली महिला अधिकारी हैं जिन्होंने 1992 में SSC के तहत डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन किया। यही नहीं बल्कि वो देश की पहली ऐसी सैन्य महिला अधिकारी हैं जिन्होंने 26 जनवरी की परेड में भी सैन्य महिला अधिकारी बनकर परेड का नेतृत्व भी किया। हमारी आज की तेजस्विनी है नौसेना की अधिकारी रिटायर्ड कमांडर रूबी सिंह। हर क्षेत्र में अपनी क्षमता का लोहा मनवाने वाली भारत की महिलाओं के लिए 1992 का साल महत्वपूर्ण था जब सेना में पहली बार शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत महिला अधिकारियों की नियुक्ति की ऐतिहासिक शुरुआत हुई। सबसे पहले नौसेना ने पहल की और 1992 में सबसे पहले बैच में शामिल हुई कमांडर रूबी सिंह, जो सैन्य बलों की शॉर्ट सर्विस कमीशन में पहली महिला अधिकारी तो बनी ही, साथ ही इतिहास का हिस्सा भी बनी जब पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में बतौर पहली सैन्य महिला अधिकारी परेड का नेतृत्व किया, और वो गौरवपूर्ण अवसर उन्हें दो बार मिला। सैन्य परिवार से जुड़ी कमांडर रूबी के पिता ने दो जंग में हिस्सा लिया। उनकी वीरता से प्रभावित रूबी सिंह हमेशा से ही सेना का हिस्सा बनना चाहती थी, इसीलिए अब महिलाओं को परमानेंट कमीशन का मौका मिलने से वो बेहद प्रसन्न है। शुरू से ही मेधावी छात्रा रही रूबी सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉपर रही। नौसेना के न्यायिक विभाग में 14 साल काम करने के बाद उन्होंने पंजाब की डिप्टी एडवोकेट जनरल के पद पर भी कार्य किया। अब कानून के क्षेत्र में PhD करने जा रही कमांडर रूबी ने सैन्य और असैन्य दोनों क्षेत्रों में अपनी क्षमता साबित की। देश की डिफेंस फोर्सेस में महिलाओं की क्षमता को प्रदर्शित करने वाली शॉर्ट सर्विस कमीशन में पहली महिला सैन्य अधिकारी रिटायर्ड कमांडर रूबी सिंह हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो चलिए करते हैं बातचीत कमांडर रूबी सिंह के साथ। कमांडर रूबी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। दरअसल आपको कमांडर रूबी कहते हुए मुझे खुद ही गौरव का एहसास हो रहा है, और आपके लिए तो जाहिर है कि वो दौर काफी यादगार रहा होगा कमांडर रूबी सिंह, जब आप नेवी में ऑफिसर बने। बिल्कुल, उस टाइम जो हमने जब ज्वाइन किया, आप 22-23 साल की उम्र पे ज्वाइन करते हो, उस टाइम तो ऐसा नहीं लगता कि यू आर क्रिएटिंग हिस्ट्री। उस टाइम तो ऐसे यू आर टेकिंग अ बिग स्टेप इनटू द होराइजन। तो टाइम के साथ यू रियलाइज के वाकई में यू हैव इन द आर्क ऑफ हिस्ट्री यू क्रिएटेड अ स्मॉल फुटस्टेप आई वुड से। तो वाकई में इट वाज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू गेट। बिल्कुल, लेकिन चूंकि आपका पहला बैच था जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जिनको डिफेंस फोर्सेस में आने का मौका मिला, तो एक सवाल जो वाजिब बनता है वो ये भी कि चूंकि उससे पहले अधिकारी के तौर पर महिलाओं की नियुक्ति सेना में नहीं होती थी, तो आपने क्यों सोचा और कब सोचा कि मुझे तो सेना में ही जाना है? दरअसल मेरा जो बैकग्राउंड है वो आर्मी बैकग्राउंड है, तो मेरे ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे, मेरे फादर भी आर्मी में थे। इनफैक्ट मेरे फादर ही ज्वाइंड, एक ब्रिटिश स्कूल होता था फॉर मिलिट्री कैडेट्स, प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज इन देहरादून। He joined that before independence. उन्होंने partition वहां से देखी है 47 की। तो he also joined JSW, which was a precursor to NDA. तो आर्मी का इन्फ्लुएंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इट इज नॉट दैट वी डोंट हैव अदर professions. वी हैव डॉक्टर्स, लॉयर्स, वी हैव इंजीनियर्स, वी हैव professors, वी हैव टीचर्स, लेकिन आपको पता ही होगा कि जो आर्मी के बच्चे होते हैं उनके सर पे एक जुनून सवार होता है कि हमें आर्मी में ही वापस जाना है। तो इसकी वजह से माय ब्रदर एंड मायसेल्फ, हम दोनों वी वेंट बैक इनटू द फोर्सेस। ही जॉइंड द आर्मी एंड आई जॉइंड द नेवी।
ओके मैं समझ सकती हूँ, सेना का आकर्षण सेना के परिवारों को बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहेंगे कि चूंकि वो पहला बैच था तो आपकी सिलेक्शन कैसे हुई और कैसे आपके आगे ट्रेनिंग भी हुई? हमारे अभी देयर वाज एन एड दैट केम इन द न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट आई थी और नेवी सबसे पहली सर्विस थी जिसने एडवर्टाइज किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने अप्लाई किया. वी वर कॉल्ड, दे ड्रू अप अ मेरिट लिस्ट, वी वर कॉल्ड फॉर द सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, SSB मेरा भोपाल में हुआ था एंड टोटल 24 वैकेंसीज थी. एंड मजे की बात यह है कि वो जो 24 सिलेक्शन सीट्स थी दे वर ओपन सिलेक्शन फॉर मेन एंड वेमेन बोथ, इट वॉज नॉट रिजर्व फॉर वेमेन. एंड हमें ऐसे बताया जाता है कि उस टाइम मेरे ख्याल से 30,000 एप्लीकेशन आई थी, सो वन सीट यू कैन सेव फॉर 1,000 एप्लीकेंट्स. सो जब हम लोगों ने अप्लाई किया तो 24 में से 22 लेडीज ने ज्वाइन किया और दो लड़कों ने तो मतलब लड़कियों ने वहां भी बाजी मार ली. एंड वही तो ओपन सिलेक्शन थी. इट वॉज ऐसा भी हो सकता था कि सिर्फ एक लड़की सिलेक्ट होती और बाकी सारे मेल सिलेक्ट होते, बट एज यू राइटली सेड 22 ने बाजी मारी. लेकिन उसके बाद बताइए, क्योंकि ट्रेनिंग की मैं बात जानना चाहूंगी कि कैसे आप लोगों की ट्रेनिंग हुई, क्योंकि चूंकि इससे पहले महिला अधिकारियों की ट्रेनिंग नहीं होती थी और आपका पहला बैच था, तो जाहिर है कि ट्रेनिंग देने वालों के लिए या सेना के लिए भी ये पहला अवसर था जब वो महिला अधिकारियों की ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वो ट्रेनिंग का भी अनुभव कैसा था और कैसी थी आपकी ट्रेनिंग? हमारी ट्रेनिंग वॉज एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल जो मेल कैडेट्स के लिए होती है सेम थी, जो मेल शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए होती है हमारी बिल्कुल ट्रेनिंग सेम थी. सिर्फ एक डिफरेंस था कि हम बॉक्सिंग नहीं करते थे, बाकी फिजिकली एवरीथिंग वॉज द सेम. एंड इट वॉज टफ, फिजिकली इट वॉज टफ, बट लेकिन जब आप 22-23 साल के होते हो तो कुछ मुश्किल नहीं लगता. एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेंटल ट्रेनिंग, तो कभी मुश्किल नहीं लगा बल्कि हम सब ने एंजॉय किया. तो आपकी क्या जिम्मेदारियां थी जब आपकी ट्रेनिंग के बाद, जब आपने ऑफिस ज्वाइन किया, सेना को ज्वाइन किया, तब क्या क्या जिम्मेदारियां थी आपकी, क्या काम था आपका? मैंने जो ब्रांच ज्वाइन की थी वो है जज एडवोकेट जनरल ब्रांच. तो हम लोग, आई एम अ लॉयर बाय ट्रेनिंग, तो हमारा काम होता है कि हम नेवी के जो कोर्ट केसेस होते हैं हाई कोर्ट्स में, वेरियस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वी लुक आफ्टर देम. देन इन एडिशन जो कोर्ट मार्शल्स होते हैं, जो हमारा इंटरनल डिसिप्लिनरी सिस्टम है नेवी का, तो वेदर इट इज अ कोर्ट मार्शल या समरी पनिशमेंट्स फॉर सेलर्स, समरी ट्रायल्स फॉर ऑफिसर्स, वो लोग हम, वो सब हम, हमारा जिम्मा होता है, हमें वो देखना होता है. तो वी सिट एज ट्रायल जज एडवोकेट्स इन अ कोर्ट मार्शल एंड द एंटायर पोजिशन ऑफ लॉ, एवरीथिंग जो वो हमारे शोल्डर्स पे होती है वो हमें डिसाइड करना होता है. जब आप यूनिफॉर्म में हाई कोर्ट जाते हैं, जैसे मुझे याद है जब मैं बॉम्बे हाई कोर्ट एज अ यंग ऑफिसर आई वाज पोस्टेड टू वेस्टर्न नेवल कमांड, तो जब मैं बॉम्बे हाई कोर्ट जाती थी अपनी यूनिफॉर्म में, तो पीपल यूज टू स्टॉप एंड दे वुड स्टॉप, दे वुड टॉक टू मी, दे वुड आस्क मी कि आप, यू आर इन विच सर्विस, एंड यू कुड सी द प्राइड इन देयर फेसेस. एंड जब ये ऐसा कहीं पे भी आप जाओ, आई हैव बीन टू अलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एज अ नेवल ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट and Delhi High Court. So the kind of reception that you get from people, wo usse aapko mehsoos hota hai ki waqai mein it's a very big step that has been taken. Commander Ruby, aapko aapka sena mein jana aapki zindagi ka ek bahut zahir hai sabse mahatvapurna padav raha hoga, lekin ek badi baat ki aapne Ganatantra Divas ki parade ka bhi netritva kiya aur aap pehli mahila thi jinko ye mauka diya gaya sena se, और आपने एक नहीं बल्कि दो दो बार इस गणतंत्र दिवस पे आप लोगों ने आपने हिस्सा लिया है. राजपथ पर सेना की परेड का हिस्सा बनना कितना गौरवान्वित कर रहा था ये पल आपको? आई वुड से इट वॉज द मोस्ट स्पेशल मोमेंट ऑफ माई लाइफ. इतना वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, इतनी वंडरफुल फीलिंग टू रिप्रेजेंट योर सर्विस, एंड वो भी एज द फर्स्ट लेडी ऑफिसर. It was a beautiful moment. बहुत ही अच्छा टाइम था. लेकिन सबकी नजरें तो आप ही पर होंगी क्योंकि ऐतिहासिक अवसर था ये देश की सेना के लिए भी और महिलाओं के लिए भी, तो
तो जाहिर है कि उस वक्त काफी अखबारों में भी आया होगा, काफी आपको कवरेज मिली होगी, काफी एक इतिहास का नया चेहरा बन गई होंगी आप। जी, आई थिंक आई वॉज इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, अ बिट ऑफ लक। देयर इज अ मूवी कॉल्ड माय फेयर लेडी, उसमें देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड अ बिट ऑफ लक। आई थिंक आई वॉज लकी। लेकिन हाँ, उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, तो हर बार जब हम परेड में अपनी महिला सैनिकों को, सैन्य अधिकारियों को देखते हैं, तो जाहिर है कि सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो कमांडर रूबी, जब आपने ये सोचा कि मेरे को सेना में ही जाना है, मुझे नेवी ज्वाइन करनी है, तो आपके परिवार का क्या रुख था? जो मेरे मदर थे, शी वॉन्टेड मी टू सिट फॉर द सिविल सर्विसेज, एंड वो चाहते थे कि, एंड इंक्लूडिंग माई प्रोफेसर, बिकॉज I was good at my studies, and जो मेरे father और मेरे brother, who were both in army, उनका ये कहना था कि अभी short service commission है तो 7 साल के बाद क्या करोगे? But मेरे सिर पे तो जनून सवार था, and I had to do it. तो बस आप 22-23 साल की लड़की से, आप जिसके सिर पे जनून सवार हो, आप उससे argue करके देखो। आपकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति जिसने आपका सबसे ज्यादा मार्गदर्शन किया हो, जिससे आपने सबसे ज्यादा प्रेरणा ली हो, जिसने आपको मोटिवेट किया? My inspiration in my life is my mother. She has seen two wars with my father. My father has seen three wars. तीनों wars में वो थे। 65 में तो वो छमजोड़िया की तरफ थे। 71 में वो he was in again in both Firozpur side as well as Chittagong in Bangladesh. अच्छा। So 60 जी। And he was in all three conflicts. My mother got married. My mother has seen two conflicts. 65 में मेरे mother के brother भी fighter pilot थे, and he was also in the war, and she was also carrying at that time. So from my mother is my inspiration, because she taught me what is grace, you know, to be graceful under pressure, what is poise, and उनका still, despite being very ladylike, to have a, you know, spine of steel. So this is what I learned from her. वाकई, क्योंकि कहते हैं कि सीमा पर जब हमारे जवान लड़ रहे होते हैं, तो एक लड़ाई उनकी पत्नियां, उनकी वाइफ्स भी होती हैं जो लड़ रही होती हैं, क्योंकि वो भी अकेले हिम्मत के साथ, ये जानते हुए भी कि उनका जीवन साथी, उनके हस्बैंड बॉर्डर पर हैं, वो हर जिम्मेदारी को हंसकर निभाती हैं। और इन मायनों में देखें तो वो भी एक तरीके की सोल्जर्स हैं जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करती हैं, और वही एक उदाहरण आपने कहा कि आपकी मदर ने भी सामने रखा। लेकिन अगर हम नेवी की बात ही करें, क्योंकि आर्मी और एयरफोर्स के बारे में काफी कुछ हम लोग जानते हैं, लेकिन नेवी में महिलाओं की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, उसके बारे में भी हमें बताइए कि क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं जो नेवी में महिला अफसर्स को दी जाती है। जब हमने नेवी ज्वाइन करी थी तो खाली तीन ब्रांचेस थी जो विच वर ओपन फॉर लेडीज। वन वॉज माई ब्रांच, जज एडवोकेट जनरल, फिर लॉजिस्टिक्स, एंड थर्ड वॉज एजुकेशन। लेकिन एज टाइम हैज पास्ड, बाकी सारी, काफी सारी ब्रांचेस खुल गई हैं। जैसे आप नेवल आर्किटेक्चर देख लें, नेवल आर्मामेंट देख लें, पायलट्स भी, फिर आप ऑब्जर्वर्स। सो काफी सारी ब्रांचेस खुल चुकी हैं, एंड लेडीज आर परफॉर्मिंग अ वेराइटी ऑफ रोल्स इन द नेवी। लेकिन चूंकि हम नेवी के ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, तो तब तो शॉर्ट सर्विस कमीशन था, जब 1992 में एक नया इतिहास देश की सेनाओं में लिखा गया, जब महिलाओं की भी नियुक्ति होने लगी। लेकिन अब तो परमानेंट कमीशन का भी मौका मिल रहा है महिलाओं को। कभी ये महसूस होता है, जब ये परिणाम सामने आया, अदालत का फैसला भी सामने आया, सरकार ने भी निर्णय लिया कि ये तो करना ही है, कभी आपको ये लगा कि काश घड़ी की सुइयां पीछे मुड़ जाएं और मुझे भी मौका मिले परमानेंट कमीशन का? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं, इट वाज एग्जैक्टली लाइक दैट। बहुत मन किया कि काश हमारे टाइम ये डिसीजन आई होती, और काश वी वुड हैव एज द फर्स्ट बैच गॉट द अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू इन द नेवी एंड सर्व फॉर द फुल टेन्योर। तो मतलब अगर आपको परमानेंट कमीशन का मौका मिलता तो आप जरूर लेती? 100%, there is no doubt. अच्छा, चूंकि आपने सेना में भी वक्त बिताया है, और उसके बाद 2006 में आपकी रिटायरमेंट हुई, उसके बाद आपने कानून के ही क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाया, डिप्टी एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब आप रही। सेना का जीवन और बाहर का जीवन,
दोनों आपने जिए हैं, लंबे समय के लिए जिए हैं, तो इनकी तुलना कैसे करते हैं? किस तरीके से सेना के जीवन ने आपके व्यक्तित्व को निखारा कि आप दूसरे जीवन में भी उन गुणों को, उन व्यक्तित्व की खूबियों को आगे लेकर बढ़ सके? मेरे केस में एक एज आई सेड अ लिटिल बिट ऑफ लक, दो प्रोफेशंस रही हैं, एक तो लॉ और दूसरा नेवी. एंड लॉ हैपेंड बाय एक्सीडेंट, नेवी हैपेंड बाय डिजाइन. तो बोथ आर वेरी डियर टू मी एंड दोनों एक पैशन आप समझ लीजिए. तो जब मैंने सिविल में लॉ में ज्वाइन किया तो माय नेवल ट्रेनिंग हेल्प मी इन अ मैनर के आई वाज वेरी सुपर एफिशिएंट, इफ आई कैन से दैट. सो आई वाज वेरी फास्ट इन एंड वेरी एफिशिएंटली आई कुड डू माय ड्यूटीज. एंड आई थिंक दैट डिसिप्लिन जो पीछे से हमें मिलता है और एक एक अलग किस्म का डिवोशन टू ड्यूटी होता है, उसका बहुत फर्क पड़ा. क्योंकि मैं भी आर्मी फैमिली से हूँ, आर्मी बैकग्राउंड है मेरी भी, तो एक महसूस जो मैंने भी हमेशा किया कि जो आर्मी का के परिवार होते हैं, क्योंकि आप अब आर्मी ऑफिसर के बाद आर्मी के परिवार से, नेवी के परिवार से जुड़ी हुई हैं, तो वो फर्क महसूस किया जाता है कि सिविलियन लाइफ और आर्मी लाइफ या डिफेंस फोर्सेस की लाइफ दोनों बहुत अलग होती हैं. इस डिफरेंस को, इस अंतर को आप कैसे देखते? As Deputy Advocate General, जो मैंने job join की थी, it was equally a dream come true जैसे Navy थी. And I enjoyed the challenge that was there वहाँ पे, क्योंकि you're representing the government of Punjab and you're representing it in the High Court, in the Supreme Court. तो वो एक challenge था and it was very nice. I enjoyed it. Navy को आप इन मायने में तो शुक्रिया जरूर कहेंगी कि आपको अपने जीवन साथी भी Navy से ही मिला. जी बिल्कुल. तो कैसी है जिंदगी, क्योंकि एक अधिकारी के बाद एक परिवार की जिम्मेदारी, एक नेवल ऑफिसर के परिवार की भी जिम्मेदारी आप पे है अब, तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ और कोई खास लम्हा, क्योंकि आप भी शिप्स पे जाती होंगी, कभी आपको भी मौका मिलता होगा उनके साथ, अपने हस्बैंड के साथ आप सबमरीन्स पे जाएं या शिप्स पे जाएं, कभी कोई ऐसा मौका या यादगार लम्हा जब हमारे साथ साझा करना चाहती हूँ? इन जनवरी 2007 जब प्रेसिडेंट कलाम आए थे फॉर पीएफआर विशाखापट्टनम में, तो उस टाइम ही हैड सेल्ड ऑन माय हस्बैंड सबमरीन. तो माय हस्बैंड हैड टेकन हिम अंडर वाटर सॉर्टी के लिए इन द बे ऑफ बंगाल. तो उस टाइम यादगार लम्हा ये था कि इस पीएफआर की वजह से आई गॉट एन ऑडियंस विद प्रेसिडेंट कलाम. आई मेट हिम इन द प्रेसिडेंट्स बैंक्वेट आफ्टर द सेलिंग वॉज ओवर. एंड उनकी सबसे फर्स्ट थिंग जो स्ट्राइक की, ही हैज वेरी ट्विंकलिंग आईज, यू नो हिज आईज ट्विंकल. एंड जब वो आपसे बात करते हैं, बेशक वो किसी छोटे से यंग से सेलर से बात कर रहे हैं या वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ से बात कर रहे हैं, वो फुल अटेंशन देते हैं अपनी. आपको लगता है कि यू आर दी ओनली पर्सन ही इज लिसनिंग टू, ही इज लाइक दैट. तो माई हस्बैंड वॉज रिलेटिंग वंस दैट ड्यूरिंग द सेलिंग अंडर वाटर सॉट, इवन जब प्रेजिडेंट मिक्सअप हो रहे थे सेलर्स के साथ, तो एक यंग सेलर ने उनसे पूछा कि सर आपकी एज क्या है. तो प्रेसिडेंट कलाम ने जवाब दिया, ही सेड कि आई हैव सर्कल्ड अराउंड द सन फॉर 72 टाइम्स. मैंने सर्कल के सन के अराउंड ऑर्बिट किया है 72 टाइम्स. एंड एज आई ग्रो ओल्डर आई फील दैट यस, दिस इज द वे आपको अपनी एज नापनी चाहिए, बजाय के कहने के हमारी इतनी उम्र हो गई. आप नेवल परिवार का हिस्सा हैं, आपके हस्बैंड नेवल ऑफिसर हैं, तो किस तरीके की फील्ड पोस्टिंग्स किस तरह की होती है? क्योंकि हमने देखा है आर्मी एयरफोर्स में तो फील्ड पोस्टिंग्स भी होती हैं, पीस पोस्टिंग्स भी होती हैं, नेवी में किस तरीके का होता है और कितने लंबी हो सकती हैं ये फील्ड पोस्टिंग्स, किस तरह की होती हैं ये फील्ड पोस्टिंग्स? क्योंकि वो टाइम होता है जब जो घर की महिलाएं हैं डिफेंस फोर्सेस के परिवारों की, वो पूरी जिम्मेदारी उठाती हैं घर की, परिवार की, बच्चों की. बिल्कुल. नेवी में एज सच फील्ड पोस्टिंग्स नहीं होती हैं, बट व्हेन एन ऑफिसर इज पोस्टेड ऑन बोर्ड अ शिप या सबमरीन, तो इनकी सेलिंग बहुत होती है. और जब इनकी सेलिंग होती है तो ये बड़े लॉन्ग टाइम के लिए, बड़े लंबे लंबे समय के लिए ये बाहर रहते हैं. तो दैट इज अ टाइम जो वुमेन है, दे हैव टू कम्प्लीटली हैंडल द हाउस एंड द हर्थ. जैसे आप नेवी देख सबमरीन्स देख लीजिए, जो कन्वेंशनल सबमरीन्स होती हैं वो 45, और जो अभी तो न्यूक्लियर सबमरीन्स आ गई हैं वो तो 3 months के पेट्रोल, दे आर अंडर वाटर फॉर 3 months.
तो आप सोच लीजिए कि पीछे से द वाइफ द फैमिली हैज टू हैंडल एवरीथिंग ऑन देयर ओन. तो आई हैव अ ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर द वर्क दैट द नेवल वाइव्स डू. दे आर द बैकबोन ऑफ द ऑफिस. बिल्कुल, हमारी समुद्री सरहदें सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे देश की नौसेना और नौसैन्य अधिकारी जिस हिम्मत और जज्बे के साथ उनकी सुरक्षा की देखभाल करते हैं उसी की वजह से हम सुरक्षित भी महसूस करते हैं. आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछना चाहेंगे कमांडर रूबी, उनके जवाब आपसे लेते हैं. शुरू करें कमांडर रूबी सिंह, अगर आप नेवी ज्वाइन नहीं करती तो क्या करती? अगर मैं नेवी नहीं ज्वाइन करती तो डेफिनेटली सिविल सर्विसेज की तरफ जरूर ट्राई करती. ओके, नेवी में आपकी पर्सनालिटी का ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जो डेवलप हुआ और जिसने आपको हेल्प भी की? बिफोर जॉइनिंग, नेवी ज्वाइन करने से पहले मैं एक बहुत शाय किस्म की पर्सन थी और नेवी में जाके एक ओपननेस आई है, एक वो शाइनेस थोड़ी खत्म हुई है एंड आई एम मोर ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट नाउ आई वुड से. ओके, सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन मिलने पर आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया? ड्रीम कम ट्रू. इट्स अ परफेक्ट ड्रीम कम ट्रू. इनफैक्ट इंडीड. आपके बारे में कोई ऐसी बात जो लोग नहीं जानते? मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करती हूँ. मुझे बहुत शौक है वाटर कलर्स इन पर्टिकुलर करने का. I'm very fond of gardening. तो आप मेरे घर आएंगे तो आपको हमेशा एक बहुत ही हरा भरा लॉन, बहुत सारे फूल मिलेंगे. एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स. तो क्योंकि मैं अभी भी स्टडी कर रही हूँ, LLM खत्म करी है मैंने, तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड बेकिंग. आई एम गुड एट मेकिंग केक्स. आपके घर आना पड़ेगा. थैंक यू कमांडर रूबी. आपने कहा कि आप बहुत पढ़ाई भी कर रही हैं, आप मास्टर्स कर रही हैं लॉ में, अब इसके आगे और क्या करने का आप सोच रही हैं? भविष्य किस तरह का आप अपने आप देख रही हैं? क्या सपने हैं अब आपके यहाँ से? मैं अभी इसके बाद मेरा एम है कि मैं अपना PhD ज्वाइन करूँ, जिसके लिए मैंने अपना PhD एंट्रेंस एग्जाम अपनी यूनिवर्सिटी का क्लियर किया है. स्टूड फोर्थ इन दैट एंड UGC नेट का एग्जाम भी क्लियर किया है. सो आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी यूनिवर्सिटी फॉर लॉ. तो द एम इज कि अभी या तो PhD या फिर आई वुड लाइक टू स्टार्ट टीचिंग यंगस्टर्स. दैट इज समथिंग आई रियली लुक फॉरवर्ड टू. बहुत बढ़िया, और उम्मीद करते हैं कि जिन सपनों को लेकर आप आगे बढ़ रही हैं वो सपने जरूर पूरे हों. बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर रूबी सिंह हमारे साथ बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. इट हैज बीन अ प्लेजर टू बी इन कन्वर्सेशन विद यू और आपने मुझे मेरी सारी पुरानी यादें दिलवाई. वंडरफुल, थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू. आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ. और यहाँ अपने सभी दर्शकों का हम तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहते हैं जो अपने प्यार भरे संदेशों के जरिए ईमेल्स भेजकर हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं. आपके सुझावों का, आपके विचारों का हमें हमेशा इंतजार रहता है. हमारा ईमेल आईडी जरूर नोट कर लें, tejaswini.ednews@gmail.com. इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही. नमस्कार.